इसमें आपको दिख रही होगी ये एक ईपीएस की लाइट। यूजली गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ही कोई भी लाइट नहीं आती। जो स्पेयर पार्ट होता है वो इस तरह से दिखता है, इसको ईपीएस मॉड्यूल कहा जाता है, जिसके अंदर सर्किट्स होते हैं और ये सॉकेट होते हैं इसमें, जो कि आपके पावर स्टेयरिंग को करंट प्रोवाइड करते हैं। हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार, मेरा नाम रोहित है, वेलकम बैक टू माई चैनल द माउंटेन लैड। दोस्तों, ये जो आज का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ ये मेरी गाड़ी से रिलेटेड है, जिसमें मैं काफ़ी दिनों से एक प्रॉब्लम फेस कर रहा था, तो लगा आप लोगों से भी शेयर करता हूँ। हो सकता है आप लोगों की ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर फ्यूचर में फेस करते हैं तो आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको ईजिली उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड हो जाए। उससे पहले बताना चाहूँगा कि काफ़ी लोग मेरे इस चैनल को ट्रैवल्स रिलेट कर देखते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो मेरा बेसिकली चैनल है मेरे एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड होता है, ताकि आप लोगों को जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ, ऐसी किसी प्रॉब्लम अगर में फंसते हैं तो आपको उसके लिए ज़्यादा भटकना ना पड़े और मार्केट सर्वेज ना करने पड़े। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और बताना चाहूँगा कि काफ़ी दिनों से मेरी गाड़ी में एक प्रॉब्लम चल रही थी, इसका जो स्टीयरिंग काफ़ी हैवी हो रहा था। तो उसका रीज़न जो सामने निकल कर आया है वो इसका एक ईपीएस मॉड्यूल होता है जो कि ख़राब हो गया था। तो बताना चाहूँगा कि अगर आपकी भी गाड़ी का स्टीयरिंग कभी अगर भारी हो रहा है तो उसमें दो या तीन रीजंस हो सकते हैं। एक तो ईपीएस मॉड्यूल आपकी गाड़ी का ख़राब हो सकता है, या फिर इसमें एक मोटर होती है वो ख़राब हो सकती है। तो बेहतर होगा कि आप पहले इसकी स्कैनिंग कराएं और उसके बाद ही उस स्पेयर पार्ट को चेंज कराएं, क्योंकि जो मॉड्यूल है वो करंट प्रोवाइड करता है मोटर को। अगर आपकी मॉड्यूल ही ख़राब है तो मोटर भी अगर आपकी जो है स्कैनिंग में डिफेक्ट दिखाएगी। तो दिखाना चाहूँगा यहाँ पर कि जो आपका ये स्पेयर पार्ट कैसा दिखता है और ये कहाँ पे इंस्टॉल्ड होता है और इसकी क्या कॉस्ट रहेगी। तो दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल होते हैं कि आप इसको रिपेयर करवा सकते हैं या फिर आप इसको नया भी लेकर लगा सकते हैं। रिपेयर अगर आप कराने जाएंगे तो इसकी कॉस्ट पड़ती है 1500, 2000, 2500, अलग अलग रेट्स बोलते हैं लोग, जिसमें इंस्टॉलेशन आपकी इन्वॉल्व होती है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि अगर आप इसको लॉन्ग रन के लिए देख रहे हैं, गाड़ी नहीं है आपकी और अगर आप लॉन्ग रूट पे चलते हैं, तो आप इसको कंपनी में जाकर इसको एक्सचेंज करवाएं, क्योंकि नया लगवाएं, क्योंकि इसकी कंपनी 6 मंथ्स की गारंटी देती है या फिर आपके 10,000 किलोमीटर्स कंप्लीट हो जाएँ तब तक इसकी गारंटी रहती है। बाहर से अगर आप करवाते हैं तो नुकसान नहीं है, हालांकि 1500 रुपये इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, लेकिन फिर भी उसमें गुंजाइश रहती कि 1-1.5 साल में या फिर 3 महीने की वो शायद आपको वारंटी देते हैं और उसके बाद वो ख़राब हो जाए तो फिर दोबारा आपको ठीक कराना पड़ेगा। तो दोस्तों, दिखाना चाहूँगा कि जब आपकी गाड़ी बंद होती है तो इसमें कोई लाइट नहीं होती है, और जब आप इसका स्विच ऑन करेंगे गाड़ी का तो आपको ये सारी लाइट्स इसमें रिफ्लेक्ट करेंगी। तो इसमें आपको दिख रही होगी ये एक ईपीएस की लाइट। यूजली गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ही कोई भी लाइट नहीं आती है, अगर ऐसी कोई भी लाइट आ रही है तो इसका मतलब होता है कि आपकी गाड़ी का कोई ना कोई स्पेयर पार्ट ख़राब हो चुका है और आप वो रिप्लेसमेंट मांग रहा है। तो ईपीएस की लाइट जो है, अगर आप गाड़ी, अभी मेरी स्टार्ट नहीं है, मैं यहाँ पे गाड़ी स्टार्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि सारी गाड़ी की जो लाइट्स है वो बंद हो गई है और ईपीएस की लाइट भी बंद हो गई है। वो इसलिए क्योंकि मैं इसका पार्ट जो है वो चेंज करा चुका हूँ। और दिखाना चाहूँगा कि ये जो स्पेयर पार्ट होता है वो कैसा होता है, ये देखिए, ये जो स्पेयर पार्ट होता है वो इस तरह से दिखता है, इसको ईपीएस मॉड्यूल कहा जाता है, जिसके अंदर सर्किट्स होते हैं और ये सॉकेट होते हैं इसमें, जो कि आपके पावर स्टेयरिंग को करंट प्रोवाइड करते हैं और इसकी जो मूवमेंट है उसको स्मूथ चलाते हैं। और साथ ही मैं दिखाना चाहूँगा कि इसका जो इंस्टॉलेशन होता है वो गाड़ी की स्टेयरिंग के नीचे पैडल्स के ऊपर, ये जो बोर्ड है इसके अंदर इंस्टॉल्ड, ये जो बोर्ड है इसके अंदर यहाँ पे इंस्टॉल्ड होता है। इसकी मार्केट जो शोरूम कॉस्ट है इसकी, एक्चुअली जो आपके सर्विस स्टेशन में कॉस्ट है, वो 9,962 रुपीज़ है। आफ्टर इंस्टॉलेशन जो है आपका ये पड़ेगा तकरीबन 10,500 रुपये के आसपास। तो बेहतर है आप इसको कंपनी में जाकर ही चेंज कराएं, क्योंकि ऑल्टरनेट तो आपको बहुत मिल जाएंगे मार्केट में रिपेयर करने के, लेकिन रिपेयर ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते हैं, सक्सेस रेट बहुत कम रहता है उसका। वो चलने में आपका 1-2 साल 3 साल भी निकाल दे, लेकिन ख़राब होने में वो सिर्फ 3 महीने की वारंटी देंगे। अगर वो ख़राब हो जाए तो आपको फिर दोबारा उसको ठीक कराना होगा। कंपनी से एक बार लगवाइए अपना, निश्चिंत होकर उसके बाद आप कहीं पर भी जाइए गाड़ी लेकर अपनी फैमिली के साथ, क्योंकि कई बार लॉन्ग रूट पे ऐसी सिचुएशंस आ सकती है जहाँ पे आपके पास प्रावधान ना हो इसको चेंज कराने का। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप नया ही इंस्टॉल करें गाड़ी में दोबारा, और इट शुड नॉट बी मोर देन 10,500 फॉर i10
और इसका नाम दोबारा बता देता हूँ, ईपीएस मॉड्यूल होता है। गाड़ी को स्कैन कराने के बाद ही इसको इंस्टॉल कराएं, क्योंकि अगर आप गाड़ी को स्कैन कराएंगे तो दो तीन डिफेक्ट्स दिखाते हैं। पहले इसको इंस्टॉल कराएं, उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तभी उसके गो फॉर नेक्स्ट स्पेयर पार्ट, अगर उसकी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है तो। तो उम्मीद करता हूँ ये एक्सपीरियंस आपके काम हो आए आगे जाकर फ्यूचर में, अगर आप भी खुदा ना खास्ता इस सेम प्रॉब्लम को फेस करें तो। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल माई वीडियोज़, सी यू।